सो हेलो एवरी वन दिस इज योर रोशन भैया आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि इस बार जो 2024 की हमारी बोर्ड परीक्षा हो रही है इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो परीक्षा होगी वो तो 50 मार्क्स का होगा ये सबको पता ही है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो सिर्फ एम में रहेंगे जिसमें से आप लोग को ट्वेंटी फोर बनाने हैं मतलब ट्वेंटी फोर क्वेश्चन एम में रहेगा और ट्वेंटी सिक्स लॉन्ग शॉर्ट में रहेगा तो इस वीडियो में मैं अभी आप लोग को फोर्टी एम दे रहा हूँ इन फोर्टी एम को कर लेने के बाद आपके एग्जामिनेशन में फिफ्टीन प्लस एम से आ जाएगा गारंटी आ जाएगा हालांकि हम एक वीडियो और लाने की कोशिश करेंगे समय रहा तो एम का उसको कर लेने के बाद ट्वेंटी में ट्वेंटी आपका आ जाएगा सिर्फ एम में बाकी बच गया लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसको देख लोगे ना तो 26 में 26 नंबर आएगा एक नंबर भी आपका कम नहीं आएगा देख लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा चलो अब एक एक करके मैं आपको सारा क्वेश्चन और आंसर एम का बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस इज वन ऑफ द डैश टेक्निक खुद को मॉनिटर करना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये किस प्रकार की टेक्निक है मोटिवेशन टेक्निक है रेगुलेशन टेक्निक है अवेयरनेस टेक्निक है या नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ये एक मोटिवेशन टेक्निक होती है ठीक है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल कम्युनिकेशन साइकिल प्रक्रिया के दौरान बता इसमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन का नहीं है चैनल रिसीवर सेंडर या टाइम राइट आंसर इसका क्या होगा राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क आप छुट्टी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो विच मैथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज़ आप किस तरह के मैथड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करोगे ई मेल लिखोगे पोस्टर बनाओगे न्यूज़ लेटर लिखोगे या ब्लॉग लिखोगे तो राइट right आंसर इसका होगा ऑप्शन ए आप ई मेल लिखोगे क्वेश्चन नंबर फोर है बाई विच एक्शन कैन सेंडर सेंड देयर मैसेजेस इसमें से किस एक्शन के द्वारा जो सेंडर्स होता है वो मैसेजेस को सेंड करता है गेस्टर्स स्पीकिंग रीडिंग या राइटिंग व्हाट्सअप आप कैसे सेंड करते हो लिख के करते हो ना व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो लिख के करते हो तो D, अब से ऑब्वियसली ऑप्शन डी राइटिंग होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन अब बताओ ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है न्यूज़ है लेटर्स है फोन कॉल्स है या ई है तो राइट right आंसर इसका होगा फोन कॉल्स फोन कॉल्स के दौरान ही हम लोग ओरल बातें कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग इसमें से किस टाइप के वर्ड्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए एक्रोनाइम्स वर्ड्स का सिंपल वर्ड्स का टेक्निकल वर्ड्स का या फिर जारवंस वर्ड का तो भरबल कम्युनिकेशन के दौरान हमें सिंपल से सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है कि व्हाई डू वी यूज़ ईमेल्स हम ईमेल्स का यूज़ क्यों करते हैं तो ऑप्शन दिया गया है कि टू कम्युनिकेट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम एक ही समय में बहुत सारे लोगों से बात करने के लिए टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स ईमेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट्स और फाइल शेयर कर सकें ऑप्शन है टू टॉक टू ईच अदर इन रियल टाइम या फिर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ऐसे इसमें दो आंसर इसमें करेक्ट हो रहे हैं एक तो ये कि हम एक ही समय पे बहुत सारे लोगों को से हम बात कर सकते हैं या ई मेल कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं एंड डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए भी हम लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर इसमें ना दो चीज़ दोनों हो रहा है ठीक है तो मैं भी कभी कभी आपको ऐसा लगे कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा तो ये ना एक्चुअली में क्वेश्चन इस तरह के होते हैं वो एरर होते हैं तो इसमें से जो ज़्यादा सही आंसर है वो है टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स ठीक है ये ज़्यादा आपका सही हो रहा है ऐसे कम्युनिकेट तो और भी तरीके से हो सकता है तो लेकिन सेयर्ड डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स हालांकि ये भी और अलग अलग तरीके से हो सकता है तो भाई इसमें देखो आंसर जो है वो कॉमन ये दो मिल रहा है दोनों में से आप कोई भी टिक करके आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है ये क्वेश्चन इस तरह के अगर एरर होते हैं तो इसमें सी बी आपको फुल मार्क्स भी देती है हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके एन किताब का है एंड ऑलरेडी सी ने ये क्वेश्चन दिया भी अपने प्रीवियस ईयर्स में तो आपके एग्जामेश्स में भी आ सकता है एंड अगर आपके एग्जामेश में आएगा तो आप ये दोनों ही टिक करके आना ए और बी क्योंकि दोनों ही सही है गलत दोनों में से कोई नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन अब बताओ इसमें से कम्युनिकेशन को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है फिफ्टी परसेंट ऑफ अवर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल मतलब 50 परसेंट जो कम्युनिकेशन होता है वो नॉन वर्बल तरीके से होता है 20 परसेंट कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स फेस आर्म्स इट इज मतलब 20 परसेंट जो कम्युनिकेशन होता है इसमें बॉडी मूवमेंट्स को द्वारा हम करते हैं फेस के थ्रू करते हैं आर्म्स के द्वारा कुछ करते हैं हाथ से इशारा करके फाइव परसेंट कम्युनिकेशन जो होता है सिर्फ वॉइस टोन्स पोसेस के द्वारा करते हैं या फिर सेवन परसेंट कम्युनिकेशन हम वर्ड्स का यूज़ करके करते हैं तो इसका जो राइट right आंसर होगा ये वाला सही होगा कि सेवन परसेंट जो कम्युनिकेशन है हम वो वर्ड्स का यूज करके करते हैं ओके okay, चलो आगे क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक बताओ इसमें से कौन सा पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है चलो हम पढ़ते हैं ऑप्शन है एक्सेलेंट योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड ये पॉजिटिव फीडबैक है बिल्कुल ऑप्शन बी है आई नोटिसड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट मैं देख रहा हूं इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा जो डेडिकेशन है बहुत ही अच्छा है ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है यू आर ऑलवेज डूइंग इट रॉन्ग वे तुम हमेशा गलत तरीके से करते हो यह भी आपका नेगेटिव फीडबैक नहीं है ये भी पॉजिटिव ही फीडबैक है ठीक है एंड डी है ऑल ऑफ द सारा तो बिल्कुल ऑल ऑफ द सारे ही पॉजिटिव फीडबैक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ निगेटिव फीडबैक अब बताओ कौन सा इसमें से निगेटिव फीडबैक है तो ये दिया गया कि आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राॅइंग स्किल्स आर पुअर मुझे ये बताने में हेटफुल लग रहा है कि हेटवल लग रहा है लेकिन मैं लेकिन तुम्हारी जो ड्राइंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है खराब है या फिर तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली ये एक नेगेटिव फीडबैक है तो आपका आंसर यही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड फीडबैक अब बताओ इसमें से कौन सा एक अफेक्टिव कंपोनेंट्स है एक अच्छा फीडबैक का डिटेल्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट स्पेसिफिक या ओपिनियन बेस्ड तो इसका जो राइट right आंसर है आपका ऑप्शन सी होगा स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर इसमें से कौन सा एक कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है लिंग्विस्टिक बैरियर इंटरपर्सनल बैरियर फाइनेंशियल बैरियर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फाइनेंशियल बैरियर बाकी सारे ही कम्युनिकेशन बैरियर हैं याद रख लेना ये सब सारे कम्युनिकेशन बैरियर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होना इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है जिसमें बाई रहेगा वो पैसिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस है इसमें बाई नहीं आई एक्टिव वॉइस है सिंपल सी बात है ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा इंग्लिश का भी पोर्शन है आपके सिलेबस में आपको ये पता होना चाहिए लेकिन बेसिक नॉलेज वाला जो क्लास वन टू थ्री फोर में पढ़ते होंगे ना वैसे वैसे सिलेबस में है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में है कि रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर तो व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस अब जो रवि है ना वो बहुत कठिन परिश्रम करता है ताकि आ, साल के अंत में उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिल सके तो ये किस प्रकार का मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेशन है एक्सटर्नल है दोनों है या फिर नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन तो इसका जो राइट right आंसर है वो आपका ऑप्शन बी होगा ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस कैसे एक एंटीवायरस आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है तो इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवर हीट ज़्यादा हो जाता है उससे प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस ऑप्शन बी है इट कैन इंक्रीज़ इट्स परफॉर्मेंस आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है ऑप्शन सी है इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट डेटा करप्ट होने से ये बचाता है या फिर इट कैन बैकअप डेटा ये डेटा का बैकअप करती है तो इसका जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कि ये डेटा को करप्ट होने से बचाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कि टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्प्रोरी फोल्डर अगर आपके टेम्प्रोरी फोल्डर्स में बहुत सारा फाइल्स जो है वो जमा हो गया कचरा टाइप में तो आप इसमें से क्या इस लिख कर आप उस फाइल्स को डिलीट करोगे अब ये आएगा कैसे ये लिखोगे कहाँ तो इसको लेके दिया गया है कि जैसे आप विंडो और आर का बटन दबाते हो ना तो आपका एक रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है तो उस रन डायलॉग बॉक्स में इसमें से आप क्या प्रे मतलब लिखोगे तो हम लिखेंगे ये वाला परसेंटेज टैम परसेंटेज वो लिख के जैसे इंटर करते हो आपके पास सारे टेम्प्रोरी फाइल्स होते हैं वो आ जाएगा आप उसको डिलीट कर दो हो गया कंप्यूटर फिर फास्ट चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोट पैड नोट पैड का वैलिड फाइल एक्सटेंशन क्या है डॉट जे पी जी ये तो इमेज का है डॉट डी ओ सी ये वर्ड का है डॉट टी एक्स टी टी ई एक्स टी ये तो होगा नहीं एंड डॉट टी एक्स टी ये है नोट पैड का ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रेन इन टू इन अप्रोप्रिएट रिलेशन बताओ इसमें से किस ट्रैप में छोटे बच्चों को ना फंसाया जाता है ऑनलाइन प्रीडेटर्स के द्वारा वार्नस में ट्रोजन हॉर्स या एंटीवायरस तो इसका जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन ए होगा ऑनलाइन प्रीडेटर्स क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम बताओ सी यू आई ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है डॉस है विंडोज टेन है विंडोज सेवन है या विंडो एस है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉस ठीक है विंडोज एस पी एस पी बोला गया सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर गिवेन बाई द यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस ने कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं एटीन सेवनटीन फिफ्टीन या ट्वेंटी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेवनटीन याद रखना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है राकेश रिसिव्ड अ कॉल एंड वॉज इन्फॉर्म अबाउट द लॉटरी फॉर विनिंग अूज अमाउंट राकेश को ना कॉल आता है कि तुम ना पचास करोड़ रुपए जीत गए हो लॉटरी से तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कंसिडर्ड एज तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो इनमें से किससे रिलेटेड है ट्रॉजन हॉर्स से ऑनलाइन प्रीडिटर से इंटरनेट स्कैम्स या इनक्रिप्शन तो ये जो होती है ना ये इंटरनेट स्कैम्स होते हैं ठीक है जो आपको इस तरह का लालच देते हैं कि आपको इतने का लॉटरी मिल गया है नेक्स्ट अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस इसमें से कौन सा एंटीवायरस है नॉर्टर्न एंटी वायरस क्विक हेल मैकेफी वायरस स्कैन या फिर ऑल ऑफ द तो इसमें से ये सब सारे ही एंटीवायरस होते हैं ठीक है अगर एंटीवायरस के नाम एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आ जाए कि कुछ एंटीवायरस के नाम लिखो तो ये सब लिख कर आ जाना एग्जामिनेशन में आएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन थ्रेड्स अब बताओ इसमें से कौन सा या कौन कौन सा ऑनलाइन थ्रेड्स है फिशिंग ईमेल मेल स्पूफिंग चैट स्पूफिंग या फिर ऑल ऑफ द यानी ये सब सारा तो इसका भी आंसर जो है ऑल ऑफ द ही होगा ये सब सारे ही ऑनलाइन थ्रेड्स होते हैं एंड इन सब को भी याद रख लो क्योंकि एग्जामेशन में आएगा कि कुछ ऑनलाइन थ्रेड्स के नाम लिखो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट कुछ पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नाम लिखने के लिए भी एग्जामेशन में आते हैं तो ये सब सारे ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स हैं कुछ जो कि पॉपुलर हैं आई आर सी टी सी फ्लिपकार्ट ई बे तो इसका राइट आंसर ऑल दो ऑफ द एब अभी है सारे ही है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है ए डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पिक्चर्स वीडियोज और म्यूजिक इसमें से क्या एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी पिक्चर्स वीडियोज म्यूजिक इन सभी फॉर्मेट में हम उसमें रख सकते हैं फोल्डर में आइकॉन में लिंक में या फिर फाइल में तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा फोल्डर में ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्री यू हैव टू यूज़ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यदि आपको हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए आप इसमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे कंट्रोल प्लस के का कंट्रोल प्लस एच का कंट्रोल प्लस एल का या फिर कंट्रोल प्लस पी का तो हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस के का हाइपर लिंक के लिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है की कैन ऑल्सो बी यूज टू रीनेम अ फाइल ऐसे तो हम फाइल को रीनेम करने के लिए राइट right क्लिक करेंगे फाइल पे देन uh, रीनेम पे जाएंगे फिर उसको चेंज कर सकते हैं चलो ठीक है लेकिन अगर बोल दे कि शॉर्टकट की हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे उसी फाइल को रिनेम करने के लिए तो उसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट की फाइल को रिनेम करने के लिए एफ का ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है फातिमा हैज़ एडेड अ फोटोग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट अब मान के चलो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है फातिमा को यहाँ पे एक फोटोग्राफ जो है वो ऐड करना है तो सी विशेज टू कट अ पोर्सन ऑफ द इमेज अब इस इमेज के पोर्सन को ना थोड़ा सा इसको कट करना है तो इसमें से ये किस मेथड का वो इस्तेमाल करेगी अपने टास्क को पूरा करने के लिए वो कट का इस्तेमाल करेगी कॉपी का क्रॉप का या लेआउट का तो ऑब्वियसली वो इस्तेमाल करेगी क्रॉप का ठीक है हमको साइड साइड में कटिंग करना है तो हम क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब आप वर्ड में काम कर रहे हो आपको बोला गया कि जो लेटर है ना वो इसके इधर नहीं जाना चाहिए आपको सेंटर पे ही लिखना है सारा तो इसके लिए तो हम ऊपर में तो बहुत सारा टैब रहता है वहाँ पर भी सेंटर की सेंटर वाला ऑप्शन मिल जाता है लेकिन बोला जाएगा कि आपको ऊपर से नहीं देखना आपको एक शॉर्टकट की का यूज करना है तो अब बताओ कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे कंट्रोल प्लस सी कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस आर या फिर कंट्रोल प्लस एल तो राइट right आंसर होगा इसका कंट्रोल प्लस ई ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होगा कंट्रोल प्लस आर से शायद अंडू या रेडू होता है ठीक है देख ले नहीं अंडू अंडू तो जेड से होता, होता है ना कंट्रोल प्लस जेड रेडो होता है ठीक है कंट्रोल प्लस आर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी है डैश मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटा बेस डेटा बेस में किसका मतलब होता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है डेटा रिडंडेंसी डेटा इंटीग्रिटी डेटा कंसिस्टेंसी या फिर ऑन नफ दी आवाज इसमें से कोई भी नहीं तो इसका आंसर होगा डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा जो है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा अब इसमें बताओ कौन सा एक कलेक्शन ऑफ डेटा कंपोनेंट्स है डेटा कंपोनेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉर्जेंटल रोज जिसको हम वर्टिकल कॉलम्स और हॉर्जेंटल रो के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल को फील्ड्स को एट्रीब्यूट को या फिर नन ऑफ द इनमें से कोई भी नहीं तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा टेबल्स ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्टी टू में सॉरी थर्टी टू में आते हैं क्वेश्चन दिया गया डैश डेटा टाइप कैन स्टोर जीरो और वन इन द डेटाबेस डेटाबेस में इसमें से कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है जीरो और वन को बुलियन तीन इंट स्मॉल इंट या बिज इंट राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए बुलियन बुलियन डेटा टाइप है जो कि स्टोर करता है जीरो और वन को क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है ए डैश इज ए लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन अ डेटा बेस डेटा बेस के लिए बताना है इसमें से कौन सा एक लैंग्वेज है जो कि जो कि इनेबल करता है यूजर्स को एक्सेस और मैन्यूपुलेट करने के लिए डेटा को एक्सेस और मैन्यूपुलेट करने के लिए कौन सा लैंग्वेज जो है इनेबल करता है कौन सा लैंग्वेज इनेबल करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसमें से दोनों ए और बी या फिर नन ऑफ द अबव दोनों में से कोई नहीं तो इसका जो राइट right आंसर है ना वो आपका ऑप्शन ए होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है ए पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ए आप बताओ इसमें से एक पॉपुलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कौन सा है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज या फिर नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं तो राइट right आंसर इसका होगा ऑप्शन ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको हम शॉर्ट में ना एसक्यूएल कहते हैं एंड आपको आपकी परीक्षा में चार नंबर का गारंटी ये एसक्यूएल कमांड लिखने आएगा एंड इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं एसक्यूएल कमांड का दे दूंगा जरूर देख लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चार नंबर का गारंटी एसक्यूएल कमांड लिखने आएगा मतलब कि 26 में फोर नंबर आपका एसक्यूएल मतलब बाईस नंबर का ही तैयारी करना है लॉन्ग शॉर्ट में समझ रहे हो ठीक है चलो नेक्स्ट आगे आते हैं थर्टी फाइव में टू रिट्राइव ऑल दी कॉलम्स इन अ टेबल द सिंटेक्स अगर आपको अगर आपको सारे कॉलम्स को एक टेबल में रिट्राइव करना है तो इसमें से आप किस सिंटैक्स का यूज करोगे देखो एसक्यूएल कमांड ही है ये तो इसमें आप यूज़ करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इस तरह से लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन लगा दो लास्ट में सेमी कॉलम लगा देना सिखाया हुआ है देख लेना एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए बहुत ईजिली आ जाएगा सीख लोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है डैश की हेल्प्स टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइन अब जैसे ही हमें एक नई लाइन में जाना है तो हम इसमें से मतलब कर्सर को नई लाइन में ले जाने के लिए इसमें से हम किस की का इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस होम का कंट्रोल प्लस एंड का इंटर का या फिर कंट्रोल प्लस एंड का हम फटपट फटपट इंटर दबाते हैं ना इंटर दबाने से क्या होता है कर्सर नीचे आते जाता है तो बस आंसर क्या होगा इंटर ठीक है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है विंडो इज यूज टू अप्लाई क्रिएट एंड एडिट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स इसमें से किस विंडो का हम यूज करते हैं अप्लाई क्रिएट और फॉर्मेट एडिंग करने के लिए तो स्टाइल विंडो का फॉर्मेटिंग विंडो का स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो दोनों का या फिर डिजाइन विंडो तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग विंडो ठीक है सॉरी इसका जो राइट right आंसर होगा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो दोनों होगा ठीक है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो होगा आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है गिव्स कॉन्सोलीटिंग डेटा ऑप्शन इन ओपन ऑफिस कैल इसमें से कौन सा टैब हमें कॉन्सोलिडेटिंग डेटा ऑप्शन देता है ओपन ऑफिस कैल्क में तो ऑप्शन है फाइल टैब व्यू टैब डेटा टैब या एडिट टैब राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेटा टैब क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है जॉन हैज रिटर्न अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ फिफ्टीन चैप्टर्स जॉन एक किताब लिखता है पंद्रह चैप्टर्स उसके हैं तो ही वॉन्टेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक अब वो उस किताब का ना एक इंडेक्स बनाना चाहता है तो आपको सजेस्ट करने के लिए बोला है कि आप इसमें से किसका इस्तेमाल करोगे कि वो फिफ्टीन चैप्टर का इंडेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाए एक वर्ड प्रोसेसर में वो काम कर रहा है टेबल्स का आप सजेस्ट करोगे कॉलम्स करने के लिए सजेस्ट करोगे मेल मर्ज करने बोलोगे या टेबल ऑफ कंटेंट बनाने बोलोगे तो ऑब्वियसली जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी होगा हम कहेंगे कि भाई तुम एक टेबल ऑफ कंटेंट कर लो ओके सो लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ए डैश रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स इसमें से क्या रेफर करता है एक सेल को या फिर और, और रेंज ऑफ सेल को किसी वर्कशीट में एंड एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैलकुलेट तो इसमें ऑप्शन दिया सेल रेफरेंस सीट रेफरेंस ब्लॉक या ऑटोफिल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल रेफरेंस तो ये बीस क्वेश्चन कर लियो ना तो अब आपको एम में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है फिफ्टीन प्लस स्कोर कर लोगे गारंटी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको फुल नंबर चाहिए ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी फोर चाहिए मैं कोशिश करूंगा कि एक एम सी क्यू की वीडियो ना एग्जामिनेशन से पहले और करवा दूँ अगर समय मिल गया तो वरना कोई बात नहीं है फिफ्टीन प्लस के आप ट्वेंटी भी आ सकता है मे भी यार आ जाए ट्वेंटी भी आ, आ जाए जा, ठीक है आ सकता है लेकिन फिफ्टीन तो गारंटी आएगा बाकी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देख लो भाई वो भी जरूरी है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है एंड एस क्यू एल कमांड की भी देख लेना ऊपर बताया ना एस क्यू एल कमांड लिखने आएगा चार मार्क्स में ठीक है इस तरह का लिखने आएगा चार मार्क्स में ये गारंटी है चार मार्क्स में एस क्यू वैल आना ही आना है आए चाहिए नहीं है चार मार्क्स में एसक्यूएल जरूर आएगा उसको देख लेना ठीक है चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज में थैंक यू बाय बाय